आज गुड मॉर्निंग नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहूँगा। तो स्वागत है आप सभी का दक्षिणी भाग गंगा ब्रिज। जी हाँ, ये विक्रमशिला पुल सामने है और मेरे साथ है मुसाफिर अभिषेक और उनकी फैमिली, और हम लोग साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभिषेक? कोसी बैराज। तो ये बिहार की पहली ऐसी राइड होगी जो कोसी से कुर्सेला, यानी जहाँ से कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जहाँ मिलती है वहाँ तक की राइड है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं भागलपुर से। तो चलिए, काफ़ी गर्मी है, यानी ये कोई पहला 15 अगस्त है जो मुझे याद है जहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से ये सफ़र की शुरुआत हो रही है। हालांकि बिहार में बारिश नहीं होने के बावजूद गंगा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। अभी आप थोड़ी देर में कुछ फुटेज देखेंगे जिसमें गंगा नदी का किनारा एकदम पानी से लबालब है। तो माँ गंगे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है पुल के ऊपर से। थोड़ी देर रुककर आपको दिखाता हूँ क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। ये है नज़ारा, लहर उठ रहा है और गंगा नदी पूरा लबालब है। तो आगे चल रहे मेरे साथ ही अभिषेक, पीछे झंडा बांध के। नदी का जलस्तर क्यों बढ़ा हुआ है जब बिहार में इतनी बारिश नहीं हुई है, लगभग सूखा पड़ने का अंदाजा है? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, यहाँ से कुछ दूर आगे जाके कोसी नदी माँ गंगे में मिलती हैं और आगे जाके यहाँ से लगभग कुछ 150 किलोमीटर आगे, 200 किलोमीटर आगे या इससे भी कम फरक्का बांध है। फरक्का बांध के गेट खुलने पर गंगा नदी का जलस्तर ऊपर और नीचे होता है। फिलहाल ये इलाका जो गंगा नदी का है ये सबमर्ज्ड हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कोसी नदी को, माँ गंगे के मिलने के उसके संगम को, और क्यों कोसी नदी का इतना महत्वपूर्ण योगदान है बिहार की संस्कृति में, यहाँ के जैव विविधता में। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण समझेंगे क्यों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या इसे शोक कहना जायज है? तो चलिए, ये रास्ता हम ले रहे हैं सीधे नौगछिया की ओर और नौगछिया पहुँचने के बाद हम बढ़ेंगे आगे मधेपुरा। तो चलिए सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। सूरत है झंडा लहराते, ये इलाका दो नदियों के संगम होने के वजह से बेहद ही समृद्ध है। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ दूर दूर केले के बागान हैं। और अब आ रहा है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल पॉइंट, जगतपुर झील, जगतपुर लेक। यह जगतपुर लेक बहुत ही दुर्लभ पक्षियों का आशियाना होता है ठंड के ऋतु में। दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा। तो ये जो इलाका है ये है जगतपुर लेक का, और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये कहते हैं कि बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान होता है, बाढ़ बंद हो जाए तो, ये परफेक्ट एग्जांपल है। अगर बाढ़ नहीं आएगा तो क्या होगा? ये पूरा इलाका कभी पक्षियों से गुलजार होता था और इस समय बारिश न होने की वजह से ये सूख सा रहा है। हालांकि भागलपुर प्रशासन ने इसके लिए बाउंड्री वॉल और मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए बहुत सारे अलॉटमेंट किए हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगा नदी है। तो हाइड्रोलॉजिकल बिहेवियर के कारण यहाँ गंगा नदी का पानी रिस कर आता है और इसीलिए यह जगह जो है साइबेरियन पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा आरामगाह माना जाता है। इस साल जब बाद गंगा नदी का जलस्तर उस स्तर तक नहीं है, हालांकि बढ़ा हुआ तो है, देखना होगा कि क्या इस बार साइबेरियन पक्षी आएंगे। तो सेल्फी लेने के लिए गाड़ी रोकी है और यह है जगतपुर का इलाका।
क्या नाम है आपका? अवतार। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आज बेहद ही पावन दिन है, 15 अगस्त, देश स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ बना रहा है। मैंने भी झंडा तोलन किया, हर घर पे झंडा फहर रहा है। आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा, मैंने कुछ युवा साथियों के साथ, कुछ यूथ वॉलंटियर के साथ सुल्तानगंज की यात्रा की, फिर उन्हीं लोगों के द्वारा आमंत्रण मिला मुझे हर घाट तिरंगा में, जहां हमने गंगा घाट पर एक गंगा आरती की और उसी से मुझे एक प्रेरणा मिली, क्यों ना हम कोसी बैराज से कुर्सेला तक की एक यात्रा करें। कोसी यात्रा नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए, देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए और नदियों को और इनकी जैव विविधता पर समझने के लिए। चलिए, हर देश का हर नागरिक आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपके साथ यह भूमक्कड़ बिहारी बंदा अपने चैनल के माध्यम से इस उत्सव को मनाने के लिए एक नया प्रयास कर रहा है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक। आप चल रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से और मैं चल रहा हूँ अपनी गरुड़ा। जी हाँ, मैंने अपनी बाइक का नाम गरुड़ा, कोसी दियारा में जो गरुड़ों के संरक्षण के लिए जो एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, उस पर समर्पित करते हुए मैंने अपने बाइक का नाम गरुड़ा रखा है। तो मैं जा रहा हूँ अपनी डोमिनार, अपनी गरुड़ा से कोसी बैराज तक के लिए। मेरे साथ हैं मेरे साथी, मेरे गुरुदेव क्योंकि मुझे यूट्यूबिंग का ABCD अभिषेक ने ही सिखाया है, तो डेफिनेटली ही इज माई गुरु। सो वी टुगेदर वी आर गोइंग टू द कोसी बैराज। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स अंडरस्टैंड द कोसी। और देखिए यह समृद्ध इलाका, केले के प्रति कितना बम्पर खेती होती है यहाँ पे, जबरदस्त। ये बिकने जा रहा है, बेचने जा रहे हैं, कहाँ जाएगा वो गाड़ी से? गाड़ी से कहाँ कहाँ जाता है? बहुत दूर जाता है गाड़ी से। भागलपुर का केला का बगान, केला बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। बहुत दूर दूर तक यहाँ से केले जाते हैं, बिहार का हाजीपुर हुआ, भागलपुर का यह इलाका हुआ, केले के बम्पर खेती के लिए जाना जाता है। ये आ गया है नौगछिया 0 माइल और यहाँ से मधेपुरा है 80 किलोमीटर। सहरसा 102, चौसा 21 किलोमीटर और हम गंगा नदी से धीरे धीरे कोसी नदी की ओर बढ़ रहे हैं। यह जो सड़क है जो सीधे मधेपुरा की जाती है, यह बहुत पुरानी नहीं है, 2017 में ही बन के तैयार हुआ है। एक तरह से ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन है। और एक नई सड़क भी बन रही है जो सुल्तानगंज से सीधे बीरपुर के लिए जाएगी, बीरगंज के लिए जाएगी बीरपुर होते हुए। ये जो है वो रेलवे पुल है, बेहद ही सुंदर। और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे गरुड़ प्रजनन क्षेत्र है, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा। और ये इसलिए इलाका है, ये इलाका इसलिए फेमस है क्योंकि ये दो नदियों, यानी अगर आप एरियल देखेंगे तो ये इधर गंगा नदी, इधर कोसी नदी, और इस दोनों के इलाके में दुर्लभ गरुड़ों ने अपना आशियाना ढूंढा। समुदाय के आधारित जो वन्य जीवों या दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण का, इससे बेहतरीन उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यह दियारा इलाका है और यह दियारा इलाका बेहद ही उपजाऊ भूमि के तौर पर जाना जाता है। दलहन, इस इलाके में मकई की भी खेती बहुत होती है।
ये आ गया बाबा विशु रावा ब्रिज और ये नदी है कोसी नदी। अभी हैं हम कदवा में, आधिकारिक रूप से तो ये कदवा का इलाका है, इसके बाद ही कदवा शुरू हो जाएगा। तो ये कोसी नदी आ रही है नेपाल से और यहाँ पे कोसी नदी की धारा दो भाग में पड़ जाती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और आप देख रहे होंगे वहाँ से ये धारा पूरी तरह से गोल घूमती है इस तरह से, फिर आप यहाँ से देखेंगे ये घूमते घूमते कुर्सेला की ओर बढ़ जाते हैं। बाबा विशु रावा। बिहार में बारिश नहीं हो रही है लेकिन जो भी कहें कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसीलिए माँ गंगे का भी जलस्तर अभी काफ़ी बढ़ा है। वो जो है कोसी नदी का कटाव है, कोसी नदी अंदर ही अंदर काट रही है, इसीलिए कई बार जब लोग कोसी किनारे जाते हैं तो वजन पड़ता है ऊपर से, कितने समय लोग नदी में, इसलिए कोसी नदी का कटाव बहुत खतरनाक माना जाता है। अच्छा नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत। अमूमन गर्मियों के दिनों में यह नदी सूखी सी महसूस होती है लेकिन अभी इसमें बहुत पानी है। अगर यहाँ पानी इतना अधिक है तो कोसी बैराज पे कितना होगा, क्योंकि यह पानी उधर से ही बह के आ रहा है। नज़ारा बादलों के वजह से यह व्यू कभी कभी बदल जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर से ठंडी हवा बहुत बेहतरीन लगती है। यहाँ से 415 किलोमीटर मधेपुरा 73 दरभंगा 184 यही वो पेड़ गरुड़ों की प्रजनन भूमि में आपका स्वागत है। ये गरुड़ हमारे हैं, हंस हमारी पूरी दुनिया में शान है। अरे अभी इनका समय नहीं है ना तो इसमें बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और जब गरुड़ यहाँ रहते हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है जबरदस्त। उम्मीद है आगे कहीं ना कहीं गरुड़ दिखेंगे। इस हिसाब से हम लोग कल पहुंचेंगे क्योंकि अभी तक 4 जगह रुक चुके सेल्फी के लिए। क्या नाम है? तो यहीं के रहने वाले हो? कहाँ पे? गोपालगंज। कहाँ जा रहे हैं सर? नेपाल। नेपाल से? भागलपुर से आ रहे हैं। चले चलो बाय, थैंक यू। ठीक है दोस्त। स्टेट हाईवे 58, जी हाँ, इस सड़क पे जो हम चल रहे हैं यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है।
हलहाते हुए खेतों को देखना कितना अच्छा लगता है। ग्रीनरी मानो प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। सुंदर, बेहद सुंदर। हम बढ़ रहे हैं मुरलीगंज की ओर, और जहाँ तक नजर जाएगी दूर खेत ही खेत। इस रास्ते से जब हम गुजर रहे तो सभी लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा, और ये रोड काफ़ी ख़राब हो गई है। आगे आगे खूब सारे गड्ढे हैं, और अगर मैं सही हूँ तो ये है जूट, ये सारे जूट सूख रहे हैं। ये क्या है बाबा, ये क्या है? ये पाट है जो बोरी में बनता है। हाँ। वही इसका ही बोरी बनता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सन वाला बोरी सुखा के, यानी इसको सुखा के ये बनता है, भिंगा के। इसको पहले काट के पानी में डालते हैं। अच्छा, पानी में 15 पर तब इसको छिलते हैं, तब धागा बनता है। अलग है, छिलका अलग। अच्छा चलिए, इसको 15 पानी में फुला के फिर इससे धागा बनाया जाता है। जैसे देखिए ये रस्सी बनाई जा रही है, तो इससे खटिया को भी बुना जाता है, खाट को भी बुना जाता है। कभी कभी काफ़ी तेज लगती है, कभी हवा हल्की अच्छी ठंडी लगती है, और ग्रीनरी से इलाका ये भरा पड़ा है। जैसे जैसे हम नेपाल की ओर बढ़ रहे हैं, कोसी बैराज की ओर बढ़ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कोई देखते हैं पता चलेगा, क्योंकि इस इलाके में पश्चिमी कोसी नहर को पूर्वी कोसी नहर का एक जाल है जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया था, इसीलिए यहाँ जो खेती है धान की खेती वो बहुत अधिक होती है, ऐसा लोग बताते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अंदर ही अंदर कोसी, भागलपुर मुरलीगंज, और उधर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गुजरात से ये गुवाहाटी तक जाती है।